बैठक में क्या एजेंडा रहा और क्या कुछ आप होना चाहिए? देखिए, सीधी बात, बैठक इसलिए की गई थी कि बार बार हम लोगों के बैठकों के बाद अभी तक 20 सूत्री पर कोई फैसला नहीं हो सका है। तो उनका सख्त निर्देश है कि आप लोग कमेटी में हैं, आप लोग उसको जल्द से जल्द, हो सके तो 72 घंटे के अंदर फैसला कीजिए, फार्मूला तय करके फाइनल कीजिए और उसके बाद आगे की प्रक्रिया चालू की जाए। उस पर ये किया गया कि किस तरह से लोगों को उसमें अकोमोडेट करना है, कौन से लोग उसमें शामिल हो सकते हैं, कौन से लोग सदस्य बन सकते हैं, जिला में कैसे लोग सदस्य होंगे, कैसे उपाध्यक्ष होंगे, उन सारी बातों पर चर्चा हुई है। हम समझते हैं कि एक फार्मूला 2-3 दिनों के अंदर फाइनल हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि सिर्फ हम अपनी बात कहें तो ये ठीक नहीं होगा। झामुमो भी गठबंधन का बड़ा पार्टी है और उनकी संख्या ज़्यादा होगी निश्चित रूप से, उसी तरह राजद हमारे उसमें है, फोल्डर में है, तो सब लोगों का की बात करके हम लोग जल्दी से जल्दी, मतलब 72 घंटे का कहा गया कि जल्दी से जल्दी मतलब 3 दिन के अंदर में आप लोग इसको बताइए फार्मूला को तय करके कि क्या करना है और उस अनुसार जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि जो संगठन। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।